जाने वाले मध्य प्रदेश पर से आपके विवाद का थप्पा तो हट गया है, लेकिन अभी भी स्वास्थ्य को लेकर एमपी में कई बड़े सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि यूपी और बिहार के बाद मध्य प्रदेश में जच्चा बच्चा की मौत के आंकड़े काफी ज्यादा है। एक ऐसा राज्य जो कभी बीमारू राज्य कहलाता था, लेकिन मध्य प्रदेश राज्य की कमान शिवराज सरकार के हाथों में आने के बाद से राज्यों पर लगा बीमारू शब्द का ठप्पा हट गया है। लेकिन चुनौती अभी भी कम नहीं है। स्वास्थ्य क्षेत्र में मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि यूपी बिहार के बाद जच्चा बच्चा की मौत के मामले में मध्य प्रदेश का नंबर आता है, और यही सबसे बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के सामने है। मंत्री जी, क्या लगता है यूपी बिहार के बाद मध्य प्रदेश का नाम जच्चा बच्चा मृत्यु दर में काफी अधिक संख्या में यहाँ पर मृत्यु होती है, तो इसके सुधार के लिए क्या कदम उठाए? जच्चा और बच्चा, इनकी मृत्यु कम हो, इनका स्वास्थ्य बेहतर हो, इसके लिए भी मध्य प्रदेश की सरकार बहुत संवेदनशील है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील है, वो बच्चों के मामा है, बहनों के भाई है, तो ये 108 है। और जननी एक्सप्रेस जो गाड़ियाँ हैं जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से अब संचालित हैं, ये इसी मकसद से की गई थी कि डिलीवरी जितनी हो वो इंस्टीट्यूशनल हो, इंस्टीट्यूट में आती हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो, और उनको समय पर जैसी सूचना मिलती है गाड़ी जाए उनको लेकर आए, इलाज हो उनका, उनकी डिलीवरी हो, और जब उनकी छुट्टी हो तो उनको पैसे भी दिए जाए, 1400 रुपये भी दिए जाए। मध्य प्रदेश में आज स्वास्थ्य की स्थिति देखते हैं तो जहां एक और स्वास्थ्य संकेत चीख चीख कर प्रदेश की कहानी बयां कर रहे हैं। प्रतिदिन प्रदेश में 371 शिशु और 35 महिलाएं प्रसव के दौरान या प्रसव में आई जटिलताओं के कारण दब हो गई है। ऐसे में प्रदेश की स्थिति नाजुक जान पड़ती है। हालांकि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जल्द ही इस स्थिति से निपटने का दावा कर रहे हैं। संतुष्ट नहीं है और कम होनी चाहिए, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा थी, अब हमारा कंपटीशन या हमारी तुलना 2003 की पहले की सरकारों से नहीं है, क्योंकि पहले तो कुछ हुआ ही नहीं, तो तुलना का कोई प्रश्न नहीं आता, न कोई 108 की व्यवस्था थी, न डिलीवरी की व्यवस्था थी, न गाड़ी की व्यवस्था थी, कुछ भी नहीं, ऐसा कोई व्यवस्था खास थी नहीं, उनका बजट भी नहीं था। 657 करोड़ ऐसा कोई बजट हेल्थ डिपार्टमेंट का होता था 4 के बजट में, जो अब कमोबेश 5.5 हजार करोड़ से भी अधिक है। मध्य प्रदेश में जच्चा बच्चा की मृत्यु के आंकड़े में कमी जरूर आई है, लेकिन मौजूदा वक्त में भी जच्चा बच्चा की मौत की संख्या बहुत ज्यादा है, और यही सबसे बड़ी चुनौती स्वास्थ्य